हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट केदारनाथ और केदारनाथ टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए, आप तो लास्ट वीडियो जब दिखे हैं और जो नहीं दिखे वो ज़रूर जाकर दिखें, ये वीडियो तब उनको समझ आएगा। फ्रेंड्स, मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा वॉच का जो डिजिटल है, ये वाला जो डिजिटल है वो ख़राब हो गया था, अब वो ठीक होकर आ गया है। मैं लोकल मैकेनिक में जाकर दिखाया था, जो वो ठीक करके दे दिए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से अब काम कर रहा है। आप लास्ट वीडियो जो नहीं देखे वो ज़रूर जाकर दिखे। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल दूं पूरा स्टोरी क्या आया था। लास्ट वीडियो में मैं जो बोला था, मेरा वो आज का जो डिजिटल ख़राब हो गया है, मैं देखकर सर्विस केयर नंबर में कॉल किया था, टाइमर सर्विस केयर नंबर में, और उन लोगों ने बोला, सर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर जो पेमेंट है वो दे दीजिए, देकर सेंड की दीजिए। हम लोग का जो एड्रेस है, हम लोग का एड्रेस यहाँ पर दिया है। जो बियॉन्ड 418/3 यहाँ पर ये वाला जो है वहाँ पर भेज दीजिए। हम लोग 14-15 दिन के अंदर में, वर्किंग डेज के अंदर में आपको भेज देंगे। लेकिन मैं सोचा क्यों मैं भेजूँ उन लोग को, खाली पीले में मेरा वॉच तो ख़राब हुआ हुआ, उसके बाद मेरा घड़ी भी चला जाएगा, उसके बाद कब पता नहीं कब आएगा। देखकर मैं मेरे पापा को बोला, वो देखकर लोकल एक मैकेनिक के पास ले गए, और लोकल मैकेनिक ने बोला, सर इसका कोई बैटरी फैटरी ख़राब नहीं हुआ है, इसका बैटरी पूरा ठीक है, इसका खाली एक डिजिटल सेंसर ख़राब हो गया। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, डिजिटल सेंसर ख़राब हो गया। मैं सोच रहा था बैटरी डेड हो गया होगा, क्योंकि 2020 का था, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट था। उसके बाद मैं दे दिया, वो बोले सर एक दिन में हो जाएगा। एक दिन के बाद मैं गया और वो बोले इसका एक तो डिजिटल सेंसर ख़राब हो गया था और कुछ नहीं, 80 रुपीज़ में खाली पीले मैं भेजता, और कितना वो पोस्ट ऑफिस वाले लेते मैं पता नहीं। मैं जो भी क्या लोकल मैकेनिक को दिया, अच्छा क्या। फ्रेंड्स, आपका भी यदि कभी ये डिजिटल ख़राब हो गया है, आप लोकल मैकेनिक को ही दीजिए। अब जब आपका यदि वारंटी है, मैं आपको यही रिकमेंड दूंगा। आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।